नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास स्थित सिंडिकेट बैंक में आज शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसे देखकर लोगों में हड़कंप मच गया और बैंक में रखे दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। बता दें कि यह घटना थाना अमरोहा देहात इलाके के ओवरब्रिज के पास स्थित सिंडिकेट बैंक की है। आज सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास सिंडिकेट बैंक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से बैंक में रखे अकाउंट ओपन के दस्तावेज जलकर राख हो गए, लेकिन इसके अलावा बैंक के कैश इत्यादि का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए फायर स्टेशन को फोन करके फायर ब्रिगेड गाड़ी को बुलाया गया, जिसने आग पर काबू पा लिया। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से कविंदर सिंह की रिपोर्ट। पता चला आग लगी है, अभी सुबह सुबह किसी ने बताया तो हम तुरंत आए, तो हमारे जो स्टेशनरी रूम है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे रहते हैं सभी, उसमें आग लगी, तो हमने फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया और फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, अभी देख रहे हो। लगभग कितना नुकसान है यहाँ पे, कुछ आइडिया लगा? पैसे वगैरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जले हैं और ये अभी लास्ट में पता चलेगा, अभी देख रहे हैं। ऋषिपाल बताएं, जो आग कौन सी बैंक में आग लगी, कैसे? सिंडिकेट बैंक कुंदनगर अमरोहा में आग लगी, कैसे? और ब्रिज के नीचे, ये इसका पता नहीं चला कैसे लगी है, लेकिन जितने भी हमारे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म थे वो सब उनका ही नुकसान हुआ है। वैसे किसी प्रकार का रिकॉर्ड का नुकसान नहीं हुआ है। और स्लिप बंडल।